Hey guys, good morning and happy winter to all of you. This is my first winter ride और मैं जा रही हूँ लोहगढ़ के लिए. लोहगढ़ जो फोर्ट है पुणे से नज़दीक है 50 किलोमीटर, वहाँ पे ये राइड होने वाली है. मैं अपने बादल पे चली हूँ लोहगढ़ के लिए और ये राइड में मेरे जो वेलनेस क्लब है फिट एम उनके साथ राइड करने वाली हूँ. वो सब है कार में और मैं अकेली हूँ मेरे बादल पे, बादल की रफ्तार से. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा एंड यू आर वाचिंग बाइक मैसोर यूट्यूब चैनल. दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ न्यू ईयर राइड पे एंड दिस इज बॉम्बे पुणे हाईवे. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लोहगढ़ फोर्ट के बड़े मज़े लेंगे, ट्रैकिंग करेंगे. मेरा जो वेलनेस क्लब है उनके साथ मैं जा रही हूँ. सभी आ रहे हैं कार में और मैं चली हूँ अपने हिमालयन पे. गाइस, फटे ठंडी है, बहुत ठंड लग रही है. माय गॉड, क्या बताऊँ आपको, तो दिखाई दे रही नज़ारा. इतनी मस्त ठंडी है पुणे में, सबसे ज़्यादा ठंड इस साल पड़ी हुई है ऐसा लग रहा है. गाइस, मुझे तो फॉग सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा है और हाथ पूरे नम पड़े हुए हैं. थैंक गॉड मैंने सभी सेफ्टी गियर्स पहन लिए हैं और ग्लव्स भी पहन लिए हैं. और देखो, सामने से फॉग में से बाइक भी नहीं दिख रही है, इसलिए लाइट सभी ने ऑन रखे हैं. एंड थैंक गॉड मेरी हिमालयन के लाइट्स ऑलरेडी ऑन रहते हैं, तो थैंक यू सो मच रॉयल एनफील्ड. गाइज, ये है तड़ेगांव का रोड जहाँ से लोहगढ़ फोर्ट हार्डली 40 किलोमीटर्स रहेगा. ज़्यादा दूर राइड नहीं, एक शॉर्ट राइड, ब्रेकफास्ट राइड कह सकते हैं इसे. बट आई डोंट नो ट्रैकिंग के लिए कितना वक्त लगेगा, बट मज़ा तो आने वाला है यार, न्यू ईयर राइड है. फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो पैच है बॉम्बे पुणे हाईवे का टूवर्ड्स लोनावला, मेरा फेवरेट पैच है. फोर लेन रोड है, सीधा रोड है और टॉप ऑफ द हिल आप देखोगे ना नीचे का नज़ारा, इतना खूबसूरत और मेस्मराइजिंग है गाइस, आपको दिखाई दे तू. कम ऑन, लुक एट द व्यू गाइस. ओ माय गॉड, आई कांट सी इन फ्रंट ऑफ मी, आई कांट बिलीव दिस इज लोनावला हाईवे. कैन यू गेस इट, जो पुणे के फुलो इजीली गेस कर पाएंगे. पर सामने को कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ छोटा सा टेम्पो दिख रहा है मुझे सामने से जा रहा है और राइट साइड की थोड़ी बाइक से वो दिख रही है. ओ वाओ, माउंटेंस क्या दिख रहे हैं, जस्ट ऑसम गाइस. पर बहुत ठंड है, पूरी नाक लाल पड़ चुकी है मेरी ठंड की वजह से. माय गॉड, गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही है आगे की. और हमारी गाड़ियाँ कहाँ गई, हमारी कार्स आगे गई है पीछे गई, कुछ आता पता ही नहीं यार. ऐसे लग रहा है खुफिया जगह पे कहीं जा रहे हैं, कोई सामने आ जाए ना अचानक से तो वाट लगेगी. ट्रक वालों को बहुत परेशानी होती है और ऐसे रोड पे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बिल्कुल स्पीड में बढ़ाए, क्योंकि ऐसे रोड पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. एक तो ऐसे रोड्स अवॉइड करो या वेट करो फॉग जाने तक. बट कुछ कुछ हिल एरिया ऐसे होते हैं कि ये फॉग जल्दी से हटता नहीं है, तो आपको राइड करनी ही पड़ती है. ये रहा कारला का जो मेन चौक है, यहाँ पे थोड़ा वेट करती हूँ मैं बाकी के लोग आने तक. थोड़ा सा चाय भी पी ली थी यार, बहुत ठंड है, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है मुझे. एक छोटा सा ब्रेक लेती, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है लोग.
Hello. Hi. How are you? Hey. This is angry man. कितना शाइनिंग मार रहा है ये. ओ माय गॉड. क्या देख रहा है तू? आई एम टेकिंग योर फोटोज. हेलो तो गाइज, अभी हमने लोहगढ़ का जो फोर्ट है वो चढ़ना शुरू किया है. यहाँ से स्टेप शुरू होते हैं. लुक्स थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जंगल में हम लोग ट्रेक कर रहे हैं. लेट्स सी, और आगे मजा आने वाला है. बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे, मेरे कोचेस भी हैं जो मुझे हेल्थ क्लब में सिखाते हैं, और थोड़ा यू नो मेंटेन रहने की मैं कोशिश करती हूँ उनके साथ. लेट्स सी आगे आगे क्या क्या होता है, क्या क्या मजे आते हैं. मनोज पाय कैसा है? देखो एक्साइटमेंट गाइस, इसके पैर को लगाया है फिर भी ये आया है. और ये देखो इसको कंपनी दे रहा है छोटू सा. मम्मी विद बेबी, वाओ सो क्यूट. अबे क्या खाते है? पौष्टिक खा दू. खाऊ दे मस्त. वाओ हेलो, यू बोथ आर सो क्यूट. हाँ काजू है बादामी खा. आहा एंजॉय. This is fourth door of this Lohgarh. It is called as Ganesh Darwaja. वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है छोटी सी, और बहुत ही बड़ा गेट है पूरे फोर्ट का. ऐसे परफेक्टली डिजाइन. गाइज ये है कैनॉन्स जिससे ये पूरा गढ़ है उसे कंट्रोल किया जाता था. और यहाँ से तोप फेंकते थे नीचे के लिए अगर कोई दुश्मन आता है तो. तीन चार चार के नाम से. यस गाइस, ये जो फोर्ट का फर्स्ट हाफ है, यहाँ पे आके आप रेस्ट कर सकते हो, और ये जो ब्यूटीफुल नजारा है उसे एंजॉय कर सकते हो. स्टिल वहाँ पे ऊपर बहुत से चढ़ना बाकी है वहाँ पे. और सनराइज होके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ठंड थी, मज़ेदार ठंड थी. और उसके बाद यहाँ आने का मज़ा ही कुछ और था गाइज. बाइक के भी शॉट्स आपको कैसे लगे ज़रा बता देना, और जो मेरे लाइव स्टोरीज है तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी. इसीलिए आप इंस्टाग्राम और बाइक माय सोल फेसबुक पेज है उसे ज़रूर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए. दिस रोड इज बिट डिफिकल्ट सेकेंड हाफ का जो है, क्योंकि स्टेयर केस नहीं है, ऐसे ही पत्थरों को क्लाइम करके आपको आगे जाना है. एंड लुक एट द व्यू गाइज, ओ माय गॉड. ये भी सामने कोई फोर्ट है, मैं सर्च करके आपको बता दूंगी. हाँ दिस इज विसापुर गाइज. तो यहाँ से तीन फोर्ट का नज़ारा दिखता है. अभी तक मुझे सिर्फ विसापुर और नीचे का जो लोहगांव है वो दिख रहा है. इस फोर्ट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये दरगाह भी उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है. यू नो फोर्ट ऊपर चढ़ते हो आप तो ये दरगाह के दर्शन करके ही आपको निकलना पड़ता है. ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ दिस दरगाह, लव्ड इट. थोड़ा कूड़ा यहाँ पे डालो, और डाला हुआ है लोगों ने, दैट्स गुड. किला भी बहुत साफ सुथरा है. और आगे जाके महादेव मंदिर है, त्र्यंबक तालाब, 16 कोनी तालाब एंड विंसु कड़ा.
और फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाइक माय सोल एंड डू सपोर्ट, शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट।